हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लक्ष्य स्टूडियोज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेडियंट्स या ग्रेडियंट टूल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ग्रेडियंट टूल है। तो ग्रेडियंट हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जैसे हम ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रॉपर्टी बार में यहाँ एक पैनल आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर की स्ट्रिप और यहाँ पे एक छोटा सा डाउन एरो है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पे इसका टाइटल आएगा फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, मतलब जो हमारे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कलर है उसका यूज़ करके हम ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्कर आ गया है ग्रेडियंट का। तो मुझे पॉइंट ए क्लिक करके मुझे होल्ड करना है, क्लिक एंड होल्ड, और देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है और मुझे क्लिक रिलीज करना है। तो अभी मैं आप में क्लिक रिलीज कर देता हूँ। तो ये ग्रेडियंट बन गया, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए ये फर्स्ट कलर और ये सेकंड कलर, तो ये ग्रेडियंट बन जाएगा। तो जिस भी डायरेक्शन से हम इसको ड्रॉ करेंगे उस डायरेक्शन से ये अप्लाई होगा। देखिए तो किसी भी डायरेक्शन से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी बार की ओर आ जाते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन है लीनियर ग्रेडियंट, मतलब जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं लीनियर, मतलब पहले फर्स्ट कलर आएगा और बाद में दूसरा कलर आएगा। तो सिंपल वर्ड्स में इसको लीनियर ग्रेडियंट कहा जाता है। और अगर मैं ये जो पॉइंट ए टू बी ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी लेंथ अगर मैं कम करूँगा तो जो ब्लेंडिंग है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी लेंथ कम कर देता हूँ, तो ये देखिए ये जो ब्लेंडिंग है ये कम हो गया कुछ इस तरह से। जितना मैं लेंथ कम रखूँगा उतनी ब्लेंडिंग कम, और जितना मैं लेंथ इंक्रीज करूँगा तो ब्लेंडिंग कलर का एक दूसरे में ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये तरीका। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है रेडियल ग्रेडियंट। तो रेडियल ग्रेडियंट अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ये करूँगा तो रेडियल ग्रेडियंट बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको अंडू कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लेयर क्रिएट कर देता हूँ और उसके ऊपर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन है रेडियल ग्रेडियंट, तो रेडियल ग्रेडियंट क्या करेगा, सिमिलरली मैं यहाँ पे ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर किस्म का शेप आ गया, जैसे जो फर्स्ट कलर है अपना फोरग्राउंड कलर है वो अंदर की तरफ आ गया और जो बैकग्राउंड कलर है वो बाहर की तरफ। अगर मैं ये छोटा ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए ये छोटा सर्कल आ जाएगा। तो सर्कुलर पाथ में ये ड्रॉ करेगा, तो लीनियर में सीधा ड्रॉ करेगा जैसे लाइन में ड्रॉ करता है वैसे, और रेडियल में क्या करेगा, सर्कुलर ड्रॉ करेगा। तो इसको अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो कुछ इस तरह से ये करेगा, और जहां पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे वहां पे ये सेंटर पॉइंट कंसीडर करेगा। अगर मैं ये कॉर्नर में लाइन ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर है वो कॉर्नर में चला गया, तो हाफ सर्कल हमें यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर करूंगा तो यहाँ पे हमें दिखेगा। तो ये सेकंड ऑप्शन क्या है, रेडियल ग्रेडियंट, ये जो है सेकंड। थर्ड है एंगल ग्रेडियंट, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा अजीब सा यहाँ पे एंगल ग्रेडियंट ड्रॉ हो गया। तो ये इसकी टेक्निक क्या है, यहाँ से ड्रॉ करेगा जो अपना फर्स्ट फोरग्राउंड कलर है और ये कुछ इस तरह से ये ब्लेंड होता जाएगा। ये अंडू कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो गया और यहाँ पे जाके ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे कुछ आपको शायद ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ग्रेडियंट यहाँ पे चेंज करें जो कलर्स हैं तो ये इंटरेस्टिंग लग सकता है। तो नए ग्रेडियंट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ इस तरह से ये ड्रॉ होगा जो एंगल ग्रेडियंट है। उसके बाद में ऑप्शन आएगा रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक न्यू लेयर के ऊपर एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि ये सिलेक्शन मैंने किया इलिप्टिकल मार्की टूल का यूज करके, न्यू लेयर पे मैंने सिलेक्शन किया, मैंने शेप ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया। तो जो हम ग्रेडियंट ड्रॉ करेंगे, भले मैं ये फर्स्ट ले लेता हूँ लीनियर, तो वो यहाँ पे कुछ इस तरह से जितना हमने सिलेक्शन किया उसमें सिर्फ फील हो जाएगा ग्रेडियंट जो है। सिमिलरली सेकंड, ये देखिए कुछ इस तरह से, इसको अगर हम थोड़ा इंक्रीज करें तो कुछ इस तरह से ये ड्रॉ होगा, सिंपल है।
तो एंगल ग्रेडियंट भी वैसे ही होगा, ये देखिए कुछ इस तरह से एंगल ग्रेडियंट होगा। और रिफ्लेक्टेड अभी क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट ये रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं यहां से यहां तक लेके जाऊंगा, शिफ्ट अगर हम प्रेस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में आएगा, तो ये सिर्फ यहां पे रिफ्लेक्ट, मैंने तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यहां पे ग्रेडियंट ड्रॉ किया था, उसने ही रेप्लीकेट कर दिया, जैसे कि मिरर इफेक्ट हो। तो जो आप एक जगह पे ड्रॉ करेंगे एक डायरेक्शन में, ये दूसरी जगह पे मिरर कर देगा, मतलब रिफ्लेक्ट करेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। लेकिन अगर मैं ये पूरा ड्रॉ करूंगा, पूरा अगर मैंने ड्रॉ कर दिया, तो यहां पे कोई रिफ्लेक्शन का स्कोप नहीं है क्योंकि हमने पूरा ड्रॉ किया है, तो ये बिल्कुल लीनियर ग्रेडियंट जैसा ही हमें दिखेगा। तो अगर हमें इसका इफेक्ट चाहिए तो आधा हमें ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, तो ये पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी शेप में हम ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो है डायमंड ग्रेडियंट, तो ये डायमंड लाइक शेप यहां पे क्रिएट करेगा, देखिए कुछ इस तरह से डायमंड लाइक शेप। और इसको मैं अगर डी सिलेक्ट कर लूं तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए अगर मैं बड़ा ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से इफेक्ट मुझे मिल जाएगा, ये देखिए। जितना हम लाइन का लेंथ रखेंगे उस हिसाब से वो ड्रॉ होगा। तो यहां पे हमने तो ये फर्स्ट सिर्फ देख लिया, वापस मैं यहां पे लीनियर ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेता हूं। तो सिर्फ हमने जो देख लिया था कि फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड हमने एक ही देख लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहां पे रेडीमेड प्रीसेट्स हैं, हमने नहीं बनाए, ये रेडीमेड है। तो सेकंड क्या है यहां पे, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, मतलब क्या होगा, फोरग्राउंड यूज करेगा और सेकंड कलर नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंट आएगा। तो यहां पे तो आपको बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ये किसी इमेज पे अगर अप्लाई करूंगा तो वहां पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग सकता है। जैसे कि अभी यहां पे ये वाला शेप है, तो यहां पे मैंने वही ऑप्शन सिलेक्टेड रखा है। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं लीनियर ग्रेडियंट, तो देखिए ये फर्स्ट यहां पे कलर आ गया। तो थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ब्लू कर लेता हूं, और ये देखिए थोड़ा सा ही ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये देखिए ब्लू कुछ ऐसा शेड आएगा यहां पे, क्योंकि दूसरा हमारा जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट है, फर्स्ट कलर हमने यहां पे ब्लू रख दिया। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, स्वैप कर दूं, तो ये देखिए येलो कलर आएगा और बाकी सारा जो है ट्रांसपेरेंट आएगा। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जो और भी यहां पे ऑप्शंस हैं उनका हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं न्यू लेयर क्रिएट करके इसको डिलीट कर देता हूं। तो यहां पे देखिए ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनका हम यूज कर सकते हैं जो रेडीमेड है। ये देखिए ये रेडीमेड ग्रेडियंट है, लेकिन अभी यहां पे क्या है, मुझे यहां पे खुद का जो ग्रेडियंट है, नया ग्रेडियंट खुद से क्रिएट करना है। तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, यहां क्लिक करने के बजाय जो एरो है यहां पे हम क्लिक नहीं करेंगे, जो कलर की स्ट्रिप हमें दिख रही है या कलर का बॉक्स जो हमें दिख रहा है वहां पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहां पे कुछ ये पैनल ओपन हो जाएगा, यहां पे हम देख सकते हैं ये रेडीमेड जो ग्रेडियंट है वो हमें ऑलरेडी दिख रहे हैं। और यहां पे अगर हमें कलर चेंज करना है तो यहां पे हम सिंपली क्लिक करके यहां से कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हमें चाहिए वो हम रख सकते हैं। और अगर हमें पॉइंट्स इंक्रीज करने हैं तो सिर्फ यहां पे एक तो ऑल्ट की प्रेस करके आप ड्रैग कर सकते हैं, तो ये इंक्रीज हो जाएंगे। और जितने कलर्स आपको चाहिए आप ऑल्ट की प्रेस करके ऐसे कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है सिंपली आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं, ऑल्ट की आपने अगर किया तो वो कॉपी कर देगा पॉइंट को, अगर सिंपली आपने क्लिक कर दिया तो वो ऐड कर देगा कुछ इस तरह से। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास है, एक तो आप क्लिक कीजिए या ऑल्ट की प्रेस करके इसको कॉपी कर सकते हैं, मतलब वो पॉइंट कॉपी कर देगा। और अगर हमें यहां पे ये पॉइंट नहीं चाहिए तो इसको नीचे अगर आप ड्रैग करें बाहर की तरफ, ये देखिए नीचे ड्रैग करें तो ये डिलीट भी हो जाएंगे और क्लिक करने के बाद ये ऐड भी हो जाएंगे। तो जितने आपको चाहिए उतने आप ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये देखिए और ये हमारा खुद का ग्रेडियंट यहां पे बन गया कुछ इस तरह से। और अगर आपको ये ग्रेडियंट यहां पे ऐड करना है इस गैलरी में तो न्यू पे क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हैं, ये ग्रेडियंट ऐड हो गया। सिमिलरली अगर आपको और भी ग्रेडियंट यहां पे चाहिए तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। अभी यहां पे लिखा हुआ है ग्रेडियंट टाइप, तो यहां पे मैं चेंज कर देता हूं नॉइज। तो नॉइज में देखिए बहुत ही अलग किस्म का यहां पे ग्रेडियंट आ गया, इसको आप नाम भी दे सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहां पे नाम दे दिया
1, 2, 3 नाम दे सकते हैं, और नॉइज, और यहाँ पे आप रैंडमाइज पे अगर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंज होगा। कलर मोड सपोज मैंने रखा HSB, तो यहाँ पे हम कलर मोड के अंदर सेट कर सकते हैं। तो सपोज मुझे अभी यहाँ पे रेड और येलो यही कलर रेंज यूज करनी है, रेड और येलो, तो मैंने रेड और येलो में रख दिया। सैचुरेशन मुझे सपोज थोड़ा हाई चाहिए, और तो रैंडमाइज करके देख सकते हैं हम यहाँ पे कुछ इस तरह से चेंज होगा। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर भी आ रहा है, जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर भी आ रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ ब्राइट कलर चाहिए, तो मैं ब्राइटनेस यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइटनेस मैं इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये सिर्फ ब्राइटनेस का एरिया हो गया, सैचुरेशन हाई हो गया, और यहाँ पे रेड और येलो के बीच में का सिर्फ ये कलर सिलेक्ट करेगा। तो रैंडमाइज अगर मैं करूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमें पैटर्न मिलेगा, और हमने ग्रेडियंट टाइप नॉइज रखा है इसलिए ये कुछ इस टाइप का आएगा। अगर मैंने सॉलिड रखा तो ऐसा आएगा, नॉइज रखा तो कुछ इस तरह से आएगा। तो इसको अगर मुझे सेव करना है तो यहाँ पे देखिए रैंडमाइज, तो सेव करना है तो न्यू, तो यहाँ पे ये सेव हो गए। अभी यहाँ पे मैंने दो सेव कर लिए, तो और एक मुझे सपोज चाहिए, तो येलो ग्रीन और ब्लू का मुझे सपोज चाहिए यहाँ पे, तो रैंडमाइज इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। ये देखिए न्यू, तो तीन यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। तो इसको मैंने क्लिक करके ये देखिए कुछ इस तरह से ये ड्रॉ होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड्स वगैरह क्रिएट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए इंटरेस्टिंग हमें मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह के बैकग्राउंड्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम टू कलर्स जब हमने सिलेक्ट किए थे तो एंगल ग्रेडियंट हमें बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस नॉइज वाले ग्रेडियंट का यूज करेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा, ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये अप्लाई होगा। तो जैसा मैंने पहले बोला था कि टू कलर में ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था एंगल ग्रेडियंट, तो जैसे हमने चेंज किया पैटर्न तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायमंड ग्रेडियंट कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा, ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। सिमिलरली अगर हमें ये इफेक्ट चाहिए तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, ये देखिए। तो हमें जितने चाहिए उतने ग्रेडियंट हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो ऑप्शंस हैं, अगर हम यहाँ पे कोई और, यहाँ पे ग्रेडियंट के बहुत सारे रेडीमेड पैनल्स हैं, जैसे कि मेटल्स, नेचुरल, ये रेडीमेड पैनल्स हैं, प्रीसेट्स हैं। तो अगर हम यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट अगर सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया फोटोग्राफिक टोनिंग, और अगर मैंने यहाँ पे कर दिया अपेंड अगर मैं करूँगा तो इसके अंदर ही ऐड होंगे जो नए मैं ओपन करने जा रहा हूँ प्रीसेट्स, तो इसके अंदर ऐड होंगे। लेकिन अगर मैं ओके करूँगा तो ये सारा पैनल चला जाएगा और रिप्लेस होगा। तो सपोज मैंने ये रिप्लेस कर दिया ओके, और यहाँ पे नो कर दिया, तो हमने जो ग्रेडियंट अभी क्रिएट किए थे वो यहाँ पे क्या हो गए, चले गए, क्योंकि हमने उसको सेव नहीं किया। तो ये अगर हमको फ्यूचर में यूज़ करने हैं, जो ग्रेडियंट हमने क्रिएट किए हैं वो फ्यूचर में हमें यूज़ करने हैं, या किसी और कंप्यूटर के ऊपर हमें लेके जाना है, या किसी को हमें क्रिएट करके वो भेजना है पेन ड्राइव में से, या आपको ईमेल करके वो ग्रेडियंट सेम आपने जो क्रिएट किए वो किसी फ्रेंड को या आपके कलीग को भेजना है, या आपको किसी और कंप्यूटर पे लेके जाना है, तो वो सेव करना ज़रूरी है। तो सेव कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे वापस यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट करने पड़ेंगे। तो वापस मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मैं चेंज कर लेता हूँ, कोई भी आप कर सकते हैं, ये रैंडमाइज करके सपोज मुझे ये चाहिए, तो यहाँ पे न्यू क्रिएट हो गया, तो मैं और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया रेंज, ये देखिए रैंडमाइज, सपोज मुझे ये चाहिए तो ये, और एक मैं कर देता हूँ सॉलिड, तो सॉलिड में सपोज मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, जो भी आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं। तो ये देखिए ये इसको मुझे करना है, तो यहाँ पे मैंने ये सेव कर दिया तीन ओके। अभी यहाँ पे सिंपली सेव कैसे करना है, सेव ग्रेडियंट्स करके आपको सेव करना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सेव करेंगे एज इट इज तो ये जो ऑलरेडी जो क्रिएटेड हैं प्रीसेट्स ये भी इनके साथ सेव हो जाएंगे, तो आपको ये सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। ये राइट क्लिक करके ये देखिए डिलीट ग्रेडियंट आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे सारे ग्रेडियंट मैंने डिलीट कर दिए। तो इनको सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेव ग्रेडियंट्स, और जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे आप
पाथ दे दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे दे दिया, और कुछ भी आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, और तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वो GRD होगा, .grd। तो इसको यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव हो गए। तो अगर सपोज़ मैंने और यहाँ पे कोई ऑल दूसरा सिलेक्ट कर दिया, ये देखिए दूसरा, और अगर मुझे वापस वो ग्रेडियंट चाहिए जो मैंने क्रिएट किए थे, तो आपको जाना पड़ेगा लोड ग्रेडियंट्स पाथ, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा, ये देखिए न्यू ग्रेडियंट्स लोड, तो इसके नीचे ये आ जाएंगे। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और अगर आपको फाइल देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यू ग्रेडियंट, ये जो फाइल है बहुत ही साइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.94 KB है। तो ईमेल कर सकते हैं या पेन ड्राइव के अंदर से आप ये किसी और कंप्यूटर में लेके जा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी बार में और कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मोड है। तो मोड यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर नॉर्मल मोड में आप वर्क करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन नॉर्मल मोड की जगह सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया कुछ लीनियर बर्न, तो इफेक्ट थोड़ा सा अलग आएगा यहाँ पे। या मैंने रख दिया सॉफ्ट लाइट, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट इफेक्ट आएगा। ओपेसिटी अगर मैंने यहाँ पे कम कर दी तो ओपेसिटी भी कम आएगी। ये देखिए यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंगली इफेक्ट्स अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पे मैं एक इमेज देखिए, जैसे कि नॉर्मल अगर मैंने लिया तो ये कुछ पूरा ओपेक है, इसीलिए इमेज हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिया सॉफ्ट लाइट, तो ये बहुत ही सॉफ्ट आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो आप इसके साथ प्ले करके देख सकते हैं। कई बार क्या हो जाता है, मोड यहाँ पे कोई और ऑन रह जाता है और हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, तो हमें समझ में नहीं आता कि वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो जैसे कि कई बार बहुत सारे कलर्स व्हाइट कलर पे वर्क नहीं करते, अगर हमने सॉफ्ट लाइट यूज़ किया तो व्हाइट कलर पे वो ज़्यादातर वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि मोड कौन सा ऑन है, तो उस हिसाब से वो वर्क करेगा। ओपेसिटी अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो वो तो आपको पता ही है क्या होगा। रिवर्स मतलब क्या है, वो एकदम उल्टा करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट रीसेट कर देता हूँ इसको, ये देखिए रीसेट कर दिया। और यहाँ पे मैं रेडियल ले लेता हूँ नॉर्मल मोड। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे देखिए येलो कलर अंदर की ओर है, तो इसको रिवर्स अगर मैंने कर दिया तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बाहर की ओर चला गया। जो हमारे पिक्सल्स रहते हैं उनको ये स्मूथ करता है। तो ट्रांसपेरेंसी, अगर आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का यूज़ कर रहे हैं, अभी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी का ऑप्शन यहाँ पे है। ये जो ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है ये आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो जिस कलर पे आप क्लिक करेंगे ऊपर यहाँ पे, तो इसकी आप ट्रांसपेरेंसी कुछ इस तरह से कम कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करेगा। तो ये सारे ऑप्शंस आज हमने देख लिए ग्रेडियंट के। तो यहाँ पे हम फोटोग्राफर जो हैं ये फोटो को इफेक्ट्स देने के लिए भी यूज़ करते हैं ग्रेडियंट का, लेकिन यहाँ पे मोड्स जो हैं उनका बहुत सारा काम आएगा अगर आप फोटोग्राफी के लिए यूज़ करने वाले हैं तो। अदरवाइज़ यहाँ पे हम बैकग्राउंड्स क्रिएट करने के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, रेगुलरली जो प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी, प्ले करना पड़ेगा हमें डिफरेंट कलर्स के साथ, तभी हमें ये थोड़ा सा इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू एंड आई सी यू।